डॉक्टर मनीष जाल है, मैं क्लिनिक का पड़ोसी हूँ। और क्या हुआ था, कैसे घटना घटी? घटना जहाँ मेरे संज्ञान में आई है कि दुकान खुली है और उसके 10 मिनट के बाद शॉर्ट सर्किट हुई है, जो पड़ोसियों ने बताया। और उसके बाद ये आग बढ़ती चली गई, जब तक हम लोग आते फायर ब्रिगेड को तब तक आग बढ़ती चली गई। कितना नुकसान हुआ? अब नुकसान कपड़े की दुकान है तो मान के चलिए कि 50 लाख से कम की तो नुकसान ये नहीं है। इसके जो मालिक है वो क्या है? इनके मालिक अभी मैं अपने अस्पताल में उनको रखा हूँ। चेस्ट पेन उनको हुआ है बहुत तेज़, स्वेटिंग हुई है, पसीना बहुत तेज़ हुआ है घबराहट की वजह से। ब्लड प्रेशर उनका अभी जो है 180-110 पे है, तो उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है अस्पताल। सुभाष जी, अभी मुगलसराय बाजार में एक दुकान में आग लगी थी, क्या मामला, कैसे आप लोगों ने उस पर काबू पाया? हमारे यहाँ जो है सूचना 9:49 प्राप्त हुई कि परमार कटरा के सामने ड्राई क्लीनर की दुकान में आग लगी है। तत्काल गाड़ी भेजी जाए, तत्काल छोटी गाड़ी जो है रवाना की गई, लेकिन वहाँ से चालक ने तुरंत बताया, आग बुझाते हुए उसने बताया कि सर जो है बड़ी गाड़ी भी भेज दें। बड़ी गाड़ी लेकर मैं स्वयं जो है मौके पर पहुँचा, तत्काल जो है बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी से पंपिंग करके और ड्राई क्लीनर के दुकान में लगी सब पंपों आग को बुझाया गया। क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में कपड़े भरे हुए थे, रैक बने हुए थे, आग बिल्कुल लंबी दुकान थी, भीतर घुस के जो है पूर्ण रूप से आग को बुझा दिया गया। कितनी दमकल की गाड़ियां प्रयोग में लाई गई? दमकल की वहाँ 3 गाड़ियाँ प्रयोग में लाई गई हैं। कोई कैजुअल्टी नहीं है? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है। अगल बगल की सारी दुकानों जो है जो शटर बंद थे उनको तत्काल खुलवा के उसका हिट बाहर निकलवा के संपूर्ण दुकानों को ऊपर नीचे अगल बगल सब बचा लीजिए।